हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मंत्री और मंत्रालय के बारे में, जो कि आपके अभी कल बनाए गए थे। कल कुल 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी और हम उसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, यहाँ पे आपको हमेशा स्टडी मटेरियल्स मिलती रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आपके प्रधानमंत्री है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि पहले कल जो शपथ ली गई उसमें सिर्फ कौन कौन से मंत्री बनाए गए, नए कौन थे, पुराने कौन थे, ये सारी चीज़ बताया गया। बट किन्हें कौन सा पद मिला, कौन सा मंत्रालय मिला, ये कल नहीं बताया गया था। तो वो चीज़ आज फाइनली डिसाइड हुई है, तो हम उसी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि किस मंत्रालय का दिया गया किन्हें जिम्मा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पद के साथ इन्हें कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय, ये सारे चीज़ उन्हें दिया गया है। जैसे कि कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय दिए गए। इसके अलावा और भी मंत्रालय जो किसी भी मंत्री को अलॉट नहीं किया गया, वो सारे मंत्रालय भी इन्हें दिया गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह की। हम सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम राज्य मंत्री जो आपके स्वतंत्र प्रभार है, ये सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं और उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया, अमित शाह को आपको गृह मंत्रालय दिया गया। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नितिन गडकरी की, तो उन्हें जो है ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है। फिर अगर बात करें हम सदानंद गौड़ा की, तो वो आपके रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय उन्हें दिया गया है। इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को, यहाँ पे आपको सभी मंत्रियों के बारे में जानकारी मिलेगी और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले वो सारे में यहाँ से करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमन की, जिन्हें कि वित्त एवं कारपोरेट मामले का मंत्रालय दिया गया। अगर बात करें रामविलास पासवान की, तो उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया। बात करेंगे हम नरेंद्र सिंह तोमर की, तो उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय दिया गया। अगर हम बात करेंगे रविशंकर प्रसाद की, तो उन्हें कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय दिया गया है। फिर अगर हम बात करें हरसिमरत कौर बादल की, तो इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया। अगर बात करें एस जयशंकर की, तो उन्हें विदेश मंत्रालय दिया गया। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे रमेश पोखरियाल निशंक की, तो उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया। थावर चंद गहलोत को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय दिया गया। अर्जुन मुंडा को आदिवासी मामलों का मंत्रालय बनाया गया। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट है आपकी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को जो है महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। फिर अगर बात करें हर्षवर्धन की, तो उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूविज्ञान मंत्रालय दिया गया। अगर हम बात करेंगे प्रकाश जावड़ेकर की, तो उन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया। अगर हम बात करेंगे पीयूष गोयल जी की, तो उन्हें रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। उसी तरीके से अगर आप बात करें मुख्तार अब्बास नकवी की, तो उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया गया। प्रहलाद जोशी को संसदीय मामले, कोयला और खान मंत्रालय दिया गया। फिर अगर हम बात करेंगे महेंद्र नाथ पांडे की, तो उन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय दिया गया है। अरविंद सावंत को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो संतोष गंगवार को, जो कि आपको यहाँ से हम बात कर रहे हैं वहाँ तक हमने कैबिनेट मंत्रालय को देखा, अब हम देख रहे हैं राज्य मंत्री को, जो कि स्वतंत्र प्रभार जिन्हें है, तो वो हैं आपके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संतोष गंगवार की, जो कि आपको उन्हें दिया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उसी तरीके से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में रॉ
इंद्रजीत सिंह को दिया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और नियोजन मंत्रालय। अगर बात करें श्रीपद नायक जी को तो उन्हें आयुष मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और रक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री दिया गया है। फिर अगर हम बात करें जितेंद्र सिंह की तो उन्हें पूर्वोत्तर विकास दिया गया है स्वतंत्र प्रभार पे, पीएमओ कार्मिक जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष मंत्रालय राज्य मंत्रालय पर दिया गया है। और अगर नेक्स्ट इसी तरीके से बात करें तो नेक्स्ट है किरण रिजिजू को, तो उन्हें दिया गया है युवा मामले एवं खेल स्वतंत्र प्रभार में और अल्पसंख्यक मामले राज्य मंत्री में। प्रहलाद सिंह पटेल को संस्कृति और पर्यटन दिया गया है स्वतंत्र प्रभार पे। आर के सिंह को बिजली नवीन एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र प्रभार, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री दिया गया है। फिर अगर बात करें हरदीप सिंह पुरी की तो हरदीप सिंह पुरी को जो है शहरी विकास और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। अगर हम बात करें मनसुख मंडाविया की तो उन्हें जहाज रानी स्वतंत्र प्रभार और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते जिन्हें कि सिर्फ राज्य मंत्री दिया गया है सिवाय स्वतंत्र प्रभार के, तो उन्हें दिया गया है इस्पात राज्य मंत्री। फिर बात करें अश्विनी चौबे को तो उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री दिया गया है। आपको ध्यान देना है ये सारे राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं और ऊपर जो हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करी है। नेक्स्ट है हमारा जनरल रिटायर वी के सिंह की, तो उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग दिया गया है। फिर अगर हम बात करेंगे कृष्ण पाल गुज्जर की तो उन्हें सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री दिया गया है। दानवे राव साहेब दादा राव को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण दिया गया है। जी किशन रेड्डी को गृह राज्य मंत्री दिया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री दिया गया है। अगर हम बात करेंगे रामदास अठावले जी की तो उन्हें सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री दिया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, बाबुल सुप्रियो को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री दिया गया है। फिर अगर उसी तरीके से हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आपकी बारी आ रही है संजीव कुमार बलियान की, तो उन्हें पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन दिया गया है। धोत्रे संजय समराव को मानव संसाधन विकास, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे अनुराग सिंह ठाकुर को तो उन्हें वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री बनाया गया। सुरेश अंगादी को रेल राज्य मंत्री बनाया गया। नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। फिर बात करें वी मुरलीधरन की तो उन्हें विदेश संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया है। रेणुका सिंह को आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री बनाया गया है। सोम प्रकाश को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। रामेश्वर तेली जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रताप चंद्र सारंगी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन बनाया गया है। फिर अगर बात करें कैलाश चौधरी की तो उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। देवाश्री चौधरी जो कि आपके राज्य मंत्री हैं उन्हें महिला एवं बाल विकास दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्य, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री बनाया गया है। अगर बात करें रतन लाल कटारिया की तो उन्हें जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।